नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। स्त्री को अपार सफलता दिलाते हुए फैंस और दर्शकों ने इसके सीक्वल का 6 सालों का लंबा इंतजार किया है, जो कि अब कुछ ही दिनों में खत्म होने को है। मैडॉक फिल्म्स और जियो स्टूडियोज के बैनर तले बनी हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री 2 15 अगस्त को बड़े पर्दे पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। जियो स्टूडियोज और मैडॉक फिल्म्स के बैनर तले बनी हॉरर कॉमेडी फिल्म स्त्री 2 में राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, अपार शक्ति खुराना, अभिषेक बैनर्जी और पंकज त्रिपाठी मुख्य किरदार निभा रहे हैं। फिल्म के ट्रेलर से लेकर गाने तक सब कुछ दर्शकों के बीच रिलीज से पहले ही काफी बस क्रिएट कर रहा है। ऐसे में प्रमोशन का सिलसिला भी जोर पकड़ रहा है। शुक्रवार को राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर और पवन सिंह नवाबों के शहर लखनऊ पहुंचे। यहां की गलियों में स्त्री की रिलीज को लेकर खासा उत्साह दिखा और साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया, जिसमें दोनों ही कलाकारों ने मीडिया के सवालों के जवाब दिए। फिल्म में विकी का किरदार निभा रहे राजकुमार राव कहते हैं, स्त्री के पहले पार्ट में दीवारों पर ओ स्त्री कल आना लिखा जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि स्त्री उसे पढ़कर फिलहाल चली जाए, लेकिन नए पार्ट में इन दीवारों पर लिखा मिलेगा ओ स्त्री रक्षा करना। ये देखना वाकई मजेदार होगा कि आखिर क्यों नए पार्ट में लोग चाहते हैं कि स्त्री हर दिन उनके शहर चंदेरी में आए। हमें उम्मीद है कि पिछले पार्ट की तरह ही इस पार्ट के डायलॉग्स भी दर्शकों को खूब पसंद आएंगे और इसका सीक्वल भी उनके दिलों में विशेष जगह बनाएगा। कि मुझे भी देखने का मौका मिलेगा। So of course, there's a slight jittery feeling is there, but that's a good feeling. वो feeling अच्छी feeling है कि ऐसी फिल्म आ रही है जो हम सबके करियर में बहुत स्पेशल है, आप सबके लिए बहुत स्पेशल है। इतना प्यार आप लोगों ने दिया उसे, तो आप भी जितना हम इंतजार कर रहे हैं, I'm very sure कि आप सब भी उतना इंतजार कर रहे हैं as an audience कि होता क्या है स्त्री 2 में, होगा क्या। What does Shraddha say about it? You tell me, आपको trailer कैसा लगा? विकी की चोटी वाली गर्लफ्रेंड का किरदार निभा रही श्रद्धा कपूर कहती हैं, इस बार फिल्म में फैंस और दर्शकों को सरकटे का दमदार आतंक देखने को मिलेगा। सरकटे का आतंक कहानी में नया आकर्षण जोड़ने का काम करेगा। फिल्म की कहानी को पिछली कहानी से आगे बढ़ाया गया है, जिसमें डर और हंसी का तड़का कुछ इस तरह लगाया गया है कि दर्शक खुद को हंसने से रोक नहीं पाएंगे और 6 सालों का उनका इंतजार का परिणाम उन्हें इंतजार से भी अधिक मिलेगा। तो एक अलग सा ही अलग से सवाल आते हैं कि हमें लगता है कि हमारी जिंदगी यही है, दुनिया में हम लोगों से मिलते हैं, लेकिन बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते हैं भूतों के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो मैं मतलब ये पॉइंट असाइड एक बात आपसे कहूंगी कि जब मैं स्त्री देख रही थी, मैं स्त्री ऐसे देख रही थी और मतलब मेरा खुद का चेहरा मैं ऐसे देख रही थी क्योंकि वो बदल जाता है। तो डेफिनेटली फिल्मों में मुझे बहुत डर लगता है और असल जिंदगी में तो ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ है और पता नहीं कि कैसा रिएक्शन होगा, लेकिन ये मानती हूँ कि बहुत कुछ हमारे समझ के बाहर है। पर हमारी फिल्म जो है वो कॉमेडी से भरपूर है, जैसे कि पहले वाली थी वैसा ही है, तो इसमें हॉरर आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको हंसने के लिए आना है। डरो और हंसो दोनों। फिल्म स्त्री 2 का निर्देशन अमर कौशिक ने किया है, वहीं दिनेश विजान की मैडॉक फिल्म्स ने इसे निर्मित किया है। फिल्म को नीरेन भट्ट ने लिखा है। बीते दिनों रिलीज हुए डांस नंबर आई नहीं फैंस के बीच खूब तारीफें बटोर रहा है, जिसमें भोजपुरी सिंगर पवन सिंह ने अपनी आवाज दी है। स्त्री 2 15 अगस्त को सिनेमा घरों में रिलीज हो रही है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।